रानी चटर्जी और पवन सिंह का गाना साड़ी पर का फोटो लोगों को बहुत पसंद आया था और इस गाने ने महज 6 घंटे में 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस किया था, यानी कि 6 घंटे में इसे 10 लाख लोगों ने देख लिया था और इसे लोग पसंद भी बहुत कर रहे थे। लेकिन फिर भोजपुरी म्यूज़िक की तरफ से इसे फेक कॉपीराइट क्लेम दिया गया और इस वीडियो को टेक डाउन नोटिस के तहत, यूट्यूब के टेक डाउन नोटिस के तहत इसे ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन अब पवन सिंह के फैंस के लिए खुशखबरी आ रही है कि जल्द ही ये गाना फिर से वापस से म्यूज़िक वाइंड चैनल पर फिर से आ जाएगा। जी, इस गाने से रिलेटेड ये बात सामने आ रही है कि फेक कॉपीराइट के तहत ही इसे टेकडाउन का नोटिस मिला था, जल्द ही क्लियर हो जाएगा। हो सकता है अगले 24 घंटे में ये गाना फिर से वापस से आ जाए, तो अभी पवन सिंह के फैंस के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। साथ ही दूसरी पवन सिंह के फैंस के लिए ये एक अच्छी खबर है, मीठा मीठा बातें कमरिया 55 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुका है। और इसके बाद जो तीसरी अच्छी खबर दे रही हूँ मैं, वो ये खबर दे रही हूँ कि महादेव का दीवाना ने 8 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर लिया है, यानी इसे अभी तक 80 लाख लोगों ने देख लिया है। तो लगातार पवन सिंह के जितने भी फैंस हैं उनके लिए बैक टू बैक इस वीडियो में 3 हमने बहुत अच्छी खबर बताई। पहली ये खबर अच्छी थी कि साड़ी पर का फोटो वाला गाना जल्द ही, जो वीडियो गाना है वो जल्द ही आएगा, इसको फेक कॉपीराइट क्लेम के तहत ही हटवाया गया था, वो जल्द ही आ जाएगा। और दूसरा ये कि मीठा मीठा बातें कमरिया ने 55 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर लिया है। और तीसरा ये महादेव का दीवाना ने 8 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर लिया है। भाई, अब पवन सिंह के फैंस की तो बल्ले बल्ले है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।